दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जिस तरह दो लोगों की उंगलियों के निशान कभी एक जैसे नहीं होते, उसी तरह दो लोगों की डीएनए प्रोफाइल्स भी कभी एक जैसी नहीं होती। इसीलिए डीएनए प्रोफाइलिंग यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस में बड़ी काम की चीज़ है। फॉरेंसिक साइंस यानी विज्ञान की मदद से अपराध की जांच पड़ताल। हिंदुस्तान को ये तकनीक देने वाले थे डॉक्टर लालजी सिंह, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर सिंह आज हमारे बीच नहीं है। 10 दिसंबर 2017 को आए एक कार्डियक अरेस्ट ने उन्हें हमसे छीन लिया। ललन टॉप की एक दोस्त है मनुस्मृति, जो इसराइल में रहती है और वहाँ रह के कैंसर पर रिसर्च कर रही हैं। एक ट्रेनिंग कोर्स के दौरान मनुस्मृति डॉक्टर सिंह से मिली थी। डॉक्टर सिंह के जाने के बाद मनुस्मृति हमसे और आपसे कुछ कहना चाहती हैं, देखिए। नमस्ते, मेरा नाम मनुस्मृति है। मैं टेल अवीव इसराइल में रिसर्चर हूँ, कैंसर पर काम कर रही हूँ। ललन टॉप के माध्यम से समय समय पर आपके लिए लिखती रहती हूँ और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर लालजी सिंह, जो कि बहुत प्रमुख साइंटिस्ट थे हमारे देश के, उनका निधन हो गया 10 दिसंबर को। खुशकिस्मती से मैंने उनके इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में 2007 में समर ट्रेनिंग की थी, तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने का मौका मिला था, बात करने का मौका मिला था। बहुत मृदुभाषी थे और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो जौनपुर के थे और उन्होंने BHU से अपना बैचलर्स, मास्टर्स और PhD किया था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में करीब 13 वर्ष तक रिसर्च करते रहे और वहाँ से वापस आने के बाद CCMB हैदराबाद में साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। तब उन्होंने एक प्रोब डेवलप किया जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपराधिक सीन्स में यूज़ हो सकता था, ताकि पता चल सके कि क्राइम किसने किया हुआ है, और उसके माध्यम से बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस सॉल्व किए, जैसे कि राजीव गांधी हत्याकांड में यूज़ हुआ, स्वामी प्रेमानंद, नैना साहनी तंदूर मर्डर केस, और या फिर लॉ स्टूडेंट जो थी प्रियदर्शनी मट्टू, उनके मर्डर केस में भी उनका DNA फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हुआ है। इस पे उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि एक किताब है माई ट्रेवल्स इन द विटनेस बॉक्स। उनको भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग का पिता कहा जाता है। उनको खुद भी नहीं पता रहा होगा कि वो आगे चल के BHU, जहाँ से उन्होंने हमेशा पढ़ाई की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके वाइस चांसलर बनेंगे और 25वें वाइस चांसलर बने, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी के 2011 से 14 तक वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन भी रहे। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई सारे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स को स्थापित किया, जैसे कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डेवलपमेंट, वो भी हैदराबाद में है, और एक और लेकोन्स, जिसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, मैंने पर्सनली जाके देखी है, और लुप्त हो रही प्रजातियों को कंजर्व करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनके इम्पोर्टेंट कोशिकाएं उनको संभालने के लिए उन्होंने डेवलप किया। इसके अलावा उन्होंने माइग्रेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, 60,000 पहले अफ्रीका से होते हुए अंडमान के थ्रू भारत में लोग आए हैं, आदमियों का आना हुआ है, उसको उन्होंने जेनेटिकली रिसर्च करके दिखाया है। तो उनके कई सारे महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं हमारे समाज के प्रति, विज्ञान के प्रति। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। डॉक्टर सिंह ने डीएनए प्रोफाइलिंग की फील्ड में न सिर्फ खुद कई इंस्टीट्यूट्स खोले, बल्कि उनके काम से प्रभावित होकर बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स यानी CDFD भी खोला। CDFD हिंदुस्तान में DNA फिंगरप्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके नतीजों को हिंदुस्तान की अदालतों में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। डॉक्टर सिंह को पद्मश्री सहित कई और अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन वो उन लोगों में से थे जो अपना काम खामोशी के साथ करने में विश्वास रखते थे। ऐसे लोग होने चाहिए, वरना दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी वजह से दुनिया में काम कम और काम का शोर ज़्यादा है। डॉक्टर सिंह को मनुस्मृति के साथ ही पूरा ललन टॉप परिवार अपना सलाम भेजता है।